नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा पुलिस 187 परिवारों के लिए बनी मसीहा, खाकी के रंग परिवार के संग अभियान के तहत 187 परिवारों के दरकते रिश्ते और टूटते परिवारों को मिलाया। कोरबा पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर संचालित खाकी के रंग परिवार के संग कार्यक्रम के तहत पारिवारिक विवादों का निपटारा किया गया। सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम के तहत महिला परामर्श केंद्र में खाकी के रंग परिवार के संग अभियान के तहत 187 परिवारों को काउंसलिंग कर फिर से मिलाया गया। इसके लिए पुलिस द्वारा काउंसलर नियुक्त किए गए हैं। इस कार्यक्रम में राताखार स्थित एक निजी होटल में खाकी के रंग परिवार के संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद ज्योत्सना महंत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर काउंसलर और काउंसलिंग द्वारा फिर से मिले परिवार को सम्मानित किया गया। कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने परिवार की महत्ता बताते हुए कहा कि परिवार के बिना सब अधूरा है। सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि सुखी परिवार सुखमय जीवन का आधार है। उन्होंने आगे कहा कि आज वह सांसद के रूप में जनता की सेवा कर रही है तो इसका श्रेय उनके परिवार को जाता है। समाज जो कि बिखरता जा रहा है, न्यूक्लियर केवल चीज लगे केवल को देवे बिखरता जा रहा है, तो ये समस्याएं हर परिवार को झेलनी पड़ती है। मैं भी जहाँ जाती हूँ देखती हूँ कि साल भर के अंदर ही तोड़ तोड़ हो जाता है। इसमें पुलिस अहम भूमिका निभा रही है और हमारे काउंसलिंग जो बहनें मिली हमें काउंसलर्स को समझा रही हैं, तो जोड़ने का बात बहुत महान पुण्य का काम कर रहे हैं ये लोग। तोड़ तो टूटना तो बहुत परिवार को टूटने में टाइम नहीं लगता, मगर परिवार को जोड़ के रखना वैसे महिलाओं की है ये काम। लेकिन आजकल की युवा हमारी लड़कियां जो हैं वो युवक जो हैं उनमें थोड़ी मेहनती सहनशीलता कम होती है। हम लोगों के ज़माने में भी लड़ाइयाँ होती थी लेकिन सुलझ जाती, आज की लड़ाइयाँ ज़मीन पर लोगों में फैल जाती हैं, तो उसको ये सुधारने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा कदम है और मेरे हिसाब से ये ज़िले में पहली बार ही मैंने यहाँ देखा है। मैं कई जगह घूमती हूँ पूरी लोकसभा, लेकिन परिवार के संग और खाकी के रंग एक अद्भुत मिलन है और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। बधाई के पात्र हैं हमारे भोजराज जी और ये करना चाहिए और हर आदमी को हर जिले में होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने परिवार परामर्श केंद्र के विगत एक वर्ष का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि उनके नजरों में परिवार मानव जाति की सबसे बड़ी पूंजी है। बिना परिवार स्वस्थ मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि कोरबा जिले में पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थापना अवधि में पारिवारिक विवाद के कुल 508 आवेदन प्राप्त हुए। सभी में काउंसलिंग की गई, जिनमें से 187 परिवारों को फिर से मिलाने में सफलता मिली है। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने फैमिली काउंसलिंग सेंटर की शुरुआत की है, जिसमें पति पत्नी के मामले या सास बहू के जो पारिवारिक मामले होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा है, तो उस पर पुलिस एफ आई आर करने से पहले सभी लोगों को समझाने की प्रयास करती है। इसमें हमारी टीम बनी हुई है जिसमें सभी की तरफ से विभिन्न परिवारों से विभिन्न सर्विस या विभिन्न वर्ग से जो निजी लोग रहते हैं उनकी एक टीम है। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जो फैमिली वैल्यू को समझते हैं लोग, उन लोगों की तरह टीम होती है। उनका प्रयास ये होता है कि किसी भी केस में खासकर पति पत्नी के मामले के केस में या फैमिली वाले केस में प्रयास करने से पहले लोगों को मंच पर बुलाते हैं और बच्चे बुलाते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं ताकि एक दूसरे में अगर किसी प्रकार की गलत फहमी हो तो गलत फहमी हो सके। तो इसमें लगभग हमारे यहाँ 500+ लगभग केस हुए थे जिसमें हम लोगों को करीबन 300+ केस में सफलता मिली है। तो इसमें इन काउंसलिंग टीम को सम्मान करने के लिए और सफलता मिलने के बाद जो पति पत्नी के साथ रह रही है उन लोगों को सम्मान करने के लिए बुलाए थे ताकि समाज में मैसेज जाए कि हम लोगों को अपने जो एक दूसरे के साथ संबंधों को अच्छा बना करके फैमिली वैल्यू को लेकर के फैमिली को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। इस कार्यक्रम में कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर, पाली तानाखार विधायक मोहित राम क्रिकेटा सहित विभागीय अधिकारी कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत कोरबा पुलिस द्वारा टूटे परिवारों को फिर से मिलाने की पहल सराहनीय है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। ईएसआईसी अस्पताल में ओपीडी के बाद जल्द शुरू होगी आईपीडी सेवा। श्रमिकों के लिए बने 100 बिस्तर के हॉस्पिटल में ओपीडी सेवा शुरू।
ऊर्जाधानी कोरबा में छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला ईएसआईसी के 100 बिस्तर अस्पताल में ओपीडी का शुभारंभ अवसर पर कोरबा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने डेंगापुर में बने हॉस्पिटल पहुंचकर मेडिकल स्टाफ व पंजीकृत बीमा श्रमिकों का उत्साह वर्धन कर परिसर में उपलब्ध सेवाओं का भी अवलोकन किया। सांसद ने बताया कि केंद्रीय श्रम मंत्री ने अस्पताल को शीघ्र उद्घाटित कर आईपीडी सेवा प्रारंभ करने का पत्र के माध्यम से जानकारी प्रेषित की है। कोरबा के तत्कालीन सांसद व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री डॉ. चरणदास महंत की पहल पर कोरबा में 100 बिस्तर वाला ईएसआईसी अस्पताल की आधारशिला रखी गई थी, जो 3 साल पहले ही बनकर तैयार हो गया था। अस्पताल को प्रारंभ करने की दिशा में कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत का निरंतर पहल जारी रहा। इस बीच कोरोना संक्रमण का दौर आने से राज्य शासन ने डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के लिए हॉस्पिटल का अधिग्रहण कर लिया था। कोरोना के पहले व दूसरे वेव में ईएसआईसी अस्पताल कोरोना प्रभावितों के लिए वरदान साबित हुआ। 100 बिस्तर वाले इस अस्पताल में ओपीडी का शुभारंभ किया गया, जिसमें 2 विशेषज्ञ, 6 डॉक्टर सहित 23 अफसर व कर्मी सेवाएं दे रहे हैं। एक्चुअल में कोरबा श्रमिकों का बहुमूल्य क्षेत्र है और मैडम जी के द्वारा जो इसका शुभारंभ किया जा रहा है और जो ये बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, निश्चित तौर पे इसमें 2-2.5 लाख श्रमिक साथी इसमें इसका लाभ ले पाएंगे। और ये सही, अगर घर घर तक में अगर सबको इसका पता चल जाएगा तो निश्चित तौर पर इस योजना का लाभ सबको मिलेगा, क्योंकि ये सही जो निःशुल्क हमको जो सुविधा प्रदान कर रही है उसमें कई तरीके का है। अगर किसी को यहाँ पर दवा करना है तो ठीक है, रेफर करने की सुविधा रेफर भी हो सकता है। और साथ ही साथ ईएसआईसी में 1-2 चीजें और है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर काम करते करते अगर मान लीजिए कोई किसी कारण परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है, अगर वो असक्षम हो जाता है काम करने में, तो वो हमको 90% तक का ईएसआईसी हमको उसका पैसा भी देता है। अगर वो काम करते वक्त किसी कारण गंभीर बीमारियों से आ जाता है तो 70% वो हमको कवर करता है। और साथ ही साथ उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो एक पेंशन का भी हमारे ईएसआईसी के साइड से मिलता है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। श्रमिक जगत के लिए मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यहाँ पास इतना बड़ा कदम उठाया है। और मैं मैडम से एक छोटा सा अपील और करूंगा कि 21,000 की जो सीलिंग है उसको बढ़ा करके या तो 30,000 तक ले जाना चाहिए कि काफी और लोग इसमें समाहित हो। अभी बढ़िया अभी इलाज हुआ है और आगे चल के और भी अच्छा सा इलाज होगा, अभी तो शुरुआत है। और क्या बोलते हैं, एसआईसी यहाँ खुलवा के मैडम ने इतना अच्छा किया है, कोरबा क्षेत्र का हम लोगों का शान बढ़ाया है, उसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे महंत जी, चरणदास महंत जी जब केंद्रीय मंत्री थे तब उन्होंने इसका शिलान्यास किया था और तब से हम लोगों की कोशिशें थी कि हम मजदूरों के लिए कोई ऐसा उपहार दें ताकि उनका निशुल्क यहाँ पर और यहाँ जितनी भी समस्याएं होंगी उनका निदान किया जाए। इस सिलसिले में पिछले 2 वर्षों से मैं प्रयासरत थी और यहाँ के डॉक्टर्स लोगों का मुझे बहुत सहयोग मिला और उन्होंने भी मिलकर के हमारे साथ मेहनत की। कोविड सेंटर जब ये हो चुका था उसके बाद जैसे ही कोविड से फ्री हुआ उस समय हम लोगों ने इसको मुक्त कराया उससे, और यहाँ पर वो सुविधाएँ अब दे रहे हैं हम लोग। यहाँ भी हमने डॉक्टर से जो बात हुई है उन्होंने कहा है कि यहाँ 100 डॉक्टर आएंगे और एट ए टाइम यहाँ 60 शायद बैठेंगे भी। तो यहाँ पर उन्होंने ओपीडी के जो रूम्स हैं वो भी शायद 25 हैं, 33। तो इतने ज़्यादा सुविधा हमारे मजदूर भाइयों को मिलेगी, क्योंकि जब भी वो प्राइवेट में छोटी से छोटी बीमारी लेके जाते हैं तो हज़ारों पर उनको उतारा जाता है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर महंगी से महंगी दवाइयाँ भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, केंद्र सरकार भी हमको सहयोग दे रही है। यहाँ भूपेंद्र यादव जी का एक लेटर जो आया है कि शीघ्र ही वो इसको और अच्छे से संचालित करेंगे, तो उनका सहयोग भी मुझे मिला। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, केंद्रीय सरकार को भी और यहाँ राज्य सरकार को भी, जो उन्होंने मेरे प्रयास को उन्होंने माना और काम किया। और यहाँ पे सुविधाएं, क्योंकि ये सपना महंत जी का भी था तो उस सपने को पूरा करना, क्योंकि यहाँ वो पूर्व सांसद रहे हैं तो उनके स्थान पर मैं हूँ, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि यहाँ की जनता के लिए उनके अधूरे काम को पूरा करना। और स्वास्थ्य को लेके मैं लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आके यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ लें, फ़ायदा लें, क्योंकि यहाँ दवाइयाँ भी मिलेंगी उनको और उनको डॉक्टर्स लोग अच्छे से ट्रीट करेंगे, क्योंकि आधी बीमारी तो डॉक्टर्स के बात करने से ही पूरी हो जाती है। और हमारी जनता बाहर ना जाए, छोटे से छोटे बीमारी के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता था, अब यहाँ
और भी ऐसे कार्यक्रम यहाँ पे शुरू करवाए जाएंगे ताकि उनको रायपुर या अन्यत्र कहीं ना जाना। जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं में हो रही बढ़ोतरी, सांसद ज्योत्सना महंत ने प्रदान किए 7 एम्बुलेंस, बीमार मरीजों को लाने ले जाने में होगी सहूलियत। सांसद ने एम्बुलेंसों को रानी धनराज कुंवर PHC से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा के शासकीय मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल में 2 गर्भवती महिलाओं के प्रसव में लापरवाही बरतने के मामले की जांच के आदेश मेडिकल कॉलेज के डीन ने दिए हैं। बेड की कमी के चलते एक महिला का प्रसव जहां वार्ड के बाहर हो गया था, वहीं दूसरी का प्रसव टॉयलेट में हुआ था। डीन ने बिस्तर की कमी होने की बात को नकारा है, लेकिन जांच की बात कही है। कोरबा के मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल में बिस्तर की कमी के कारण जिस तरह से 2 महिलाओं का प्रसव वार्ड के बाहर हुआ, इस मामले की जांच कराई जाएगी। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अविनाश मेश्राम ने खुद इस बात की पुष्टि की है। जिले के दुरुस्त वनांचल ग्राम धवलपुर निवासी श्याममती का प्रसव वार्ड के बाहर हुआ था, जबकि ग्राम कटबितला निवासी ममता यादव ने टॉयलेट में अपने बच्चे को जन्म दिया था। हालांकि दोनों ही मामलों में जच्चा बच्चा सुरक्षित है, लेकिन ममता यादव और उसके बच्चे की स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। डीन बिस्तर की कमी होने की बात को इनकार कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के डीन ने प्रसव में लापरवाही बरतने के मामले की जांच करने की बात कही है। लेकिन 21 वीक पर प्री टर्म आ जाते हैं, PNVN का पता नहीं था, बाथरूम भी होगी कि शायद वहाँ पर हो गए, हालांकि डिलीवरी तो हो गया पर उसको ले आए बकायदा सब ठीक है। उससे ये लगा कि बच्चे का वजन बहुत कम था, 1.3 किलो का बता रहे हैं। माँ जब स्वस्थ हुई थी कैसा तो थोड़ा सा मिस्टेक ये कहना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा नहीं है, उसके लिए हम देखेंगे थोड़ा सा कायदे साथ में कोई परिजन को जाना चाहिए था, किसी को होना चाहिए था तो लेबर रूम में नहीं। करीब करीब हमारे पास वहाँ 15 बेड हम लोगों ने लेबर के लिए बना के रखा है। अभी देखा गया है कि बेड की कमी कारण तो नहीं है, ऐसा भी लगता है कि कुछ कंप्लेन है तो उसको देखूंगा, तो हमारे पास बेड तो पर्याप्त मात्रा में है, बेड की कमी नहीं है। एक और ऐसा तो जरूरी नहीं होना चाहिए, मेरे से बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है पर उसको देखूंगा मैं सच में क्या रीज़न हुआ है उसके लिए। ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि मरीज लोग तो बोल रहे हैं लेकिन हमारे सिस्टर बोल रहे हैं कि शायद उनको अंदर ले जाने के लिए बोले हुए थे और तब तक वहाँ लेबर में नहीं जा पाए, बाहर डिलीवरी हो गया। बिल्कुल हम लोग स्ट्रिक्ट वैसे करेंगे, हमारे पास बेड की कमी एज सच नहीं है और हम लोगों ने बेड एक्स्ट्रा बेड भी अरेंज करके रखा है कभी जरूरत पड़ती है, तो यदि ऐसा आ रहा है तो इसके लिए बिल्कुल हम लोग जाँच कर। देखने वाली बात होगी कि जांच के बाद किस तरह के तथ्य निकल कर सामने आते हैं, लापरवाही बरतने वाले स्टाफ पर क्या कार्रवाई होती है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा शहर के साथ कॉम्बिंग गश्त में निकली दर्री पुलिस, निगरानी बदमाशों के घर दी दस्तक। पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त गुंडा बदमाशों पर निगरानी बढ़ा दी है। रात को दर्री CSP लितेश सिंह की अगुवाई में निकली पुलिस की अलग अलग टीम ने 40 से अधिक बदमाशों के घर में दस्तक देकर इस बात का तस्दीक किया कि वह घर पर है या नहीं। साथ ही ऐसे बदमाशों को पुलिस ने यह भी हिदायत दी कि भविष्य में किसी भी आपराधिक घटनाओं में लिप्त न रहे, किसी तरह का वाद विवाद करते हुए सार्वजनिक स्थान पर बवाल न मचाए। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने पूरे जिले में 1-7 गुंडे बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया है। निगरानी सुधा गुंडा बदमाशों की आकस्मिक जांच घर पहुंचकर की। जांच पड़ताल के दौरान बदमाशों के आय के स्रोत का भी ब्यौरा लिया गया। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर वारंटियों की पकड़ धकड़ और निगरानी गुंडा बदमाश जो भी हैं आपराधिक तत्वों के संबंध में जानकारी लेने और उनकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए कॉम्बिंग गश्त का अभियान चलाया जा रहा है और इसी तारतम्य में उनके निर्देश मुताबिक हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश मुताबिक हमारी CSP मैम के नेतृत्व में थाना दर्री क्षेत्र में कल कॉम्बिंग गश्त की गई, जिसमें CSP मैम और थाना दर्री के समस्त स्टाफ शामिल हुए। इस गश्त के दौरान हम लोगों ने निगरानी और गुंडा बदमाशों को चेक किया, उनका जो वो जीवन अपन कैसे कर रहे हैं और अभी आपराधिक गतिविधियों में संलग्न तो नहीं, इस संबंध में जानकारी ली। जो बदमाश बहुत सालों से अपराध से प्रवृत्त हो चुके हैं या जिनके खिलाफ बहुत लंबे समय कोई अपराध नहीं है,
उन्हें माफी मिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा स्थायी वारंटी जो कि लंबे समय से फरार है उनके भी घरों पर दबिश दी गई है और उनके संबंध पता साझी की गई। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह छोटे बजट में, सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुर्पा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। MXT is the new MPEG 4box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। अब SStar नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में, दर्री जमनीपाली, जेलगांव, CSB पावर सिटी, पुष्पल्लभ, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 7869222258। NXT is the new MPEG 4box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। ₹1250 का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र ₹500 में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। संपर्क करें फिम सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। 3 दर्जन यात्री ट्रेनों को बंद करने पर बीफ्री कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत, फैसला निरस्त करने रेल मंत्री से ज्योत्सना महंत ने पत्र लिखकर किया आग्रह। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के छत्तीसगढ़ प्रदेश से होकर जाने वाली लगभग 35 ट्रेनों को एक माह तक बंद करने के फैसले पर सांसद ने कड़ा ऐतराज जताया है। सांसद ज्योत्सना महंत ने रेल मंत्री अश्विनी चौबे को पत्र लिखकर अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सिर्फ कोयला ढुलाई के नाम पर यात्री ट्रेनों को बंद करना रेलवे विभाग की मनमानी को प्रदर्शित करता है। कोरबा की यात्री ट्रेनों को आपके आश्वासन के बाद भी प्रारंभ नहीं किया जा सका है, जो इस क्षेत्र की जनता के साथ रेलवे का उपेक्षापूर्ण रवैया को प्रदर्शित करता है। छत्तीसगढ़ में यात्री ट्रेनों का परिचालन बंद करने का सिलसिला निरंतर जारी है। रेलवे बोर्ड ने अब जून में भी 36 ट्रेनों को एक माह के लिए कैंसिल कर दिया है। अप्रैल व मई की तरह जून में भी रेलवे की मनमानी का खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ेगा। रेलवे के इस फैसले का विरोध करते हुए कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि रेलवे प्रशासन ने बिलासपुर जोन को और यहां से गुजरने वाली जिन ट्रेनों को रद्द किया है, वे आम जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। इनमें से बिलासपुर जोन की एक्सप्रेस और मेमू डेमू तो यहां की जनता के लिए
लाइफलाइन के समान है। कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनों का परिचालन बंद किए जाने का निर्णय उचित नहीं है। प्रजातंत्र में जन भावनाएं सर्वोपरि हैं। आग्रह करती हूं कि ट्रेनों के बंद किए जाने संबंधी आदेश को निरस्त कर यात्री ट्रेनों का परिचालन निरंतर जारी रखने संबंधितों को निर्देश प्रसारित करेंगे। के लिए बार बार कह रही हूँ कि लड़ाई चल रही है, पता नहीं रेल मंत्री ऐसा क्यों तिरछा देख रहे हैं हमारी छत्तीसगढ़ को, ये क्यों सौतेला व्यवहार हम लोगों के साथ किया जा रहा है, और इसके लिए सतत लड़ाई चल रही है। उनको ईमेल मैंने कल फिर किया है, 3 दर्जन बंद कर दी एक साथ। ऐसा क्या है जो राजस्व सबसे ज़्यादा देता है देश को, वो कोरबा, वो छत्तीसगढ़ ये सफ़र कर रहा है। इसके लिए बहुत दुखी हैं हम लोग, प्रयासरत है कि ये ट्रेन फिर से चलें, यदि होगा तो हम साथ। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में जीएसटी क्षति की समीक्षा नहीं होने पर कार्यालय के सामने करेंगे भूख हड़ताल। छत्तीसगढ़ को जीएसटी में हो रहे करोड़ों रुपए के राजस्व नुकसान की समीक्षा जीएसटी विभाग द्वारा जल्द नहीं की जाती है तो छत्तीसगढ़ टैक्स बार काउंसिल के मीडिया सेक्रेटरी 6 जुलाई को स्टेट जीएसटी कार्यालय कोरबा में भूख हड़ताल करेंगे। छत्तीसगढ़ टैक्स बार काउंसिल के मीडिया सेक्रेटरी मोहम्मद रफीक मेमन ने कहा कि जीएसटी की धारा 22(1) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति या संस्था एक ही पैन नंबर पर कई राज्यों में अपना व्यवसाय संचालित कर रहा है तो उसे प्रत्येक राज्य में जहां पर वह व्यवसाय कर रहा है वहां पृथक पृथक जीएसटी पंजीयन लेना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ औद्योगिक राज्य होने की वजह से यहां SECL, NTPC, CSEB, बाल्को, जिंदल पावर, प्रकाश इंडस्ट्रीज समेत अन्य शासकीय व प्राइवेट कंपनियां हैं जहां अरबों रुपए के कार्य होते हैं। इसके लिए बाहर की कंपनियां छत्तीसगढ़ राज्य में आती हैं। इनमें अधिकतर कंपनियां विभागों की लापरवाही के कारण छत्तीसगढ़ राज्य का जीएसटी पंजीयन नहीं ले रही हैं। देखिए, अभी छत्तीसगढ़ राज्य को राजस्व की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसमें हमारी थोड़ी सी लापरवाही के चक्कर में हमको जो SGST का करोड़ों रुपए मिलना था वो छत्तीसगढ़ राज्य को नहीं मिल पा रहा है। इन ओवरऑल इंडिया लेवल पे कहीं पास भी राजस्व का नुकसान नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा जागरूक हो जाएं तो छत्तीसगढ़ राज्य को करोड़ों रुपए का SGST मिलेगा। जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य एक औद्योगिक राज्य है और यहाँ बाहर की कंपनियाँ ACCL, बाल्को में करोड़ों अरबों रुपए का काम करती हैं। उसमें होता क्या है, जैसे कोई महाराष्ट्र की कंपनी है और उसका रजिस्ट्रेशन GST का महाराष्ट्र का है और वो छत्तीसगढ़ राज्य में आके वर्ष कॉन्ट्रैक्ट का काम करती है और यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेती। होता क्या है, यहाँ आके वो काम करती है और यहाँ लोकल से जो मटेरियल परचेस करती है उसमें वो CGST के जगह IGST लगवाती हैं, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य का नंबर नहीं है। मटेरियल यहाँ जो कंज्यूम होता है उसमें जो IGST लगता है उसका जो आधा पैसा छत्तीसगढ़ राज्य को मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा राज्य सरकार से ये अनुरोध है कि जितनी भी बाहर की कंपनियां हैं वो उनको यहाँ से बताएं कि उनको यहाँ नंबर लेना है जिससे SGST का आधा पैसा छत्तीसगढ़ राज्य को मिले। 1 जुलाई 2017 से GST लागू हुआ है, लगभग 5 साल हो गए हैं और मेरा अनुमान है कि इसमें करोड़ों रुपए का राजस्व जो छत्तीसगढ़ को मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में पहले भी मैंने कई एप्लीकेशन दिए हैं लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। चूँकि ये राजस्व का मामला है और भूपेश बघेल माननीय मुख्यमंत्री जी भी चिंतित हैं, तो जब तक अब मुझे लगता है कि भूख हड़ताल नहीं किया जाएगा, इस पर सुनवाई नहीं होगी, तो मेरा राज्य सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इसकी समीक्षा करें और कितना GST का लॉस हुआ है समीक्षा करके इसकी भरपाई करवाएं। कब से भूख हड़ताल में रहेंगे? मैं 6 जुलाई 2022 को भूख हड़ताल में बैठूंगा अगर इससे पहले इसकी समीक्षा नहीं होती है तो। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। पक्षियों के लिए 100 मटके लगाकर पसरखेत रेंज ने मनाया जैव विविधता दिवस। गांव वालों ने इस कार्य की सराहना की। कोरबा वन मंडल के पसरखेत रेंज ने अपने अनोखे अंदाज में पूरे कोरबा वन मंडल में बनाया अपना एक अलग छाप। जैव विविधता का कार्यक्रम जो सबसे अलग और सबसे हटके था, जिसको देख गांव वाले भी तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। पसरखेत रेंज में इस वर्ष जैव विविधता दिवस के दिन
अपने पूरे रेंज के जंगलों में पक्षियों के लिए 100 मटके लगाकर हजारों पक्षियों को घोंसले बनाने के लिए पेड़ों पर मटके लगाए, जिसके लिए सुबह से वनकर्मी अपने अपने बिट में जाकर मटके लगाना शुरू किए। मंच के माध्यम से गांव वालों को इकट्ठा कर सभी को वन्य जीवों और जंगलों के महत्व को बताया। गांव वालों के अपने खाली पड़े जमीनों पर फलदार वृक्ष लगाने को कहा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। साथ ही पसरखेत रेंज की रेंज ऑफिसर तोशी वर्मा, रेंज के डिप्टी रेंजर रामेश्वर सिद्धार्थ, कमलेश कौशिक, रेस्क्यू टीम के देवाशीष राय मौजूद रहे। कोरबा DFO प्रियंका पांडे ने पसरखेत रेंज के सभी कर्मचारियों के कार्य की सराहना करते हुए इस तरह आगे भी कार्य करते रहने को कहा। जंगलों में पक्षियों के लिए मटके लगाना एक अनोखी पहल और अनोखी सोच है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह छोटे बजट में, सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुर्पा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247 9827162131। NXT is the new MPEG 4box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉनस्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब ऐसे स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट, नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में। दर्री जमनीपाली, जेलगांव, CSB पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 7862922258। NXT is the new MPEG 4box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉनस्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बालको केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बालको नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818184018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉनस्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़ें और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिम सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में छात्रा की लाश कुएं में मिलने से फैली सनसनी। दरअसल एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में कटघोरा थाना क्षेत्र के ग्राम महेशपुर स्थित कुएं में लाश मिली है। लाश मिलने की सूचना पर थाना प्रभारी SI लक्ष्मण खूटे घटनास्थल पहुंचे। शव को कुएं से निकलवा कर पंचनामा बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। वैधानिक कार्रवाई कर जांच शुरू कर दी गई है। कुएं के नजदीक छात्रा के कपड़े और बैग मिला है, जिसमें पाए गए आधार कार्ड से उसकी पहचान ग्राम बाता
निवासी विद्या गोंड के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि छात्रा मौसी के घर ग्राम रंजना में रहकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसकी लाश महेशपुर के कुएं में कैसे और किन परिस्थितियों में मिली यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होना बताया जा रहा है, लेकिन मौत के वजह की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद हो सकेगा। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए मनहन साहू की रिपोर्ट। मीडिया फोर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।